हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 26। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने कहानी में सुना कि निर्वा विनायक को मार देता है और नीरा को अपने साथ अपने जंगल के बीच बने घर में ले आता है। निर्वा नीरा से प्यार जताता है और उसे अपनी शक्तियों का थोड़ा सा आभास कराने के लिए जंगल के सबसे खूंखार जानवरों को अपने पास बुलाता है, जिसे देखकर नीरा बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो किसी बच्चे की तरह उसे लिपटकर लटक जाती है। अब आगे जानते हैं क्या हुआ। अंदर जाते ही निर्वा ने उसे टेबल पर बैठाया और उसके सामने चुटकी बजाते ही नीरा की आंखों के सामने उसकी मनपसंद की सारी डिशेज आ गई जो उसे खाना पसंद थी। ये देखकर नीरा को खुशी भी हुई और हैरानी भी। उसने निर्वा का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को देखते हुए कहने लगी, अब समझ आया तुम चुटकी बजाकर जादू करते हो। मतलब चुटकी बजाकर जादू? चलो मेरी विश भी पूरी करो, चुटकी बजाओ और मुझे इस दुनिया की सबसे टेस्टी आइसक्रीम ला कर दो, नीरा ने खुशी खुशी कह दिया। निर्वा मुस्कुराया, उसने चुटकी बजाई और नीरा के सामने दुनिया की सबसे टेस्टी आइसक्रीम थी, जिसे देखने के बाद तो नीरा से बिल्कुल नहीं रुका गया। वो खाने पर टूट पड़ी और निर्वा बस उसे देखता रहा खाते हुए। खाना खत्म करने के बाद निर्वा फिर भी उसे वैसे ही देखता रहा। नीरा ने उसकी तरफ देखा तो निर्वा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके होठों पर लगे हुए चावल के दाने को पोंछ दिया। तुम इतने बड़े जादूगर हो तो तुम मैजिक शो क्यों नहीं करते? मेरी बात मानो, तुम इस दुनिया में बहुत फेमस हो जाओगे, नीरा बोली। मैं जादूगर नहीं हूँ। निर्वा नीरा का एक नया रूप देखकर खुश था। तो तुम कौन हो? नीरा ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम्हारी मोहब्बत, निर्वा ने कहा। तो नीरा का मुंह बन गया, वो खड़ी हुई और चारों तरफ पूरे घर को देखने लगी। तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली नहीं रहती? और मुझे वो लोग पसंद है जिनकी फैमिली होती है, अकेले इंसान से मुझे नफरत है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहना होगा, ये मेरी सबसे अच्छी विश है। नीरा ने मन ही मन कुछ सोच रखा था इस बारे में। कल तुम्हें मेरी फैमिली मिल जाएगी, निर्वा ने उसके पीछे खड़े होकर कहा। नीरा पलटी, उसने सिर उठाकर निर्वा को देखते हुए कहा, तुम मुझसे कितने लंबे हो और तुम्हारे कपड़े पहनने का सेंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम हर वक्त काला काला पहनकर क्यों घूमते हो? क्या तुम कालू हो? तुम काला कौआ हो, तुम्हारी शक्ल देखकर तो तुम ठीक ठाक लगते हो और हैंडसम भी हो, तुम्हारी बॉडी भी ठीक ठाक अच्छी है। तो तुम काले कपड़े पहनकर क्यों घूमते हो? तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है? नीरा ने बातों ही बातों में उसकी बेइज्जती की और उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मैं ऐसे अच्छा नहीं लगता? निर्वा ने पूछा। नहीं, तुम मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या तुम्हारे पास जीन्स टी शर्ट कलरफुल कपड़े नहीं है? इतने अमीर होकर ये पुराने जमाने के कपड़ों को तुम पहनते हो, शेम ऑन यू, नीरा ने मुंह बनाकर कहा। तभी उसकी आंखों के सामने एक जादू हुआ और निर्वा का पूरा हुलिया ही बदल गया। वो अब इंसानों वाले कपड़े पहनकर उसके सामने खड़ा था। इंसानों की तरह उसके बाल सेट हो गए थे, उसने लाल टी शर्ट और पीली पैंट पहनी थी। निर्वा को ऐसे देखने के बाद नीरा की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसने सच में कोई जोकर देखा हो। ओ गॉड, तुम कैसे लग रहे हो? कोई और कपड़े पहन कर आओ, नहीं तो मैं ऐसे ही हंसती रहूंगी, निर्वा उसे देखता रहा। नीरा का हंसना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। निर्वा ने फिर जादू किया और इस बार उसके कपड़े बदल गए। इस बार उसने गुलाबी पैंट और लाल शर्ट पहनी हुई थी। नीरा उसे देखकर फिर हंसने लगी। ओह गॉड, क्या तुम्हारी जादुई वार्डरोब में रंग बिरंगे कपड़े हैं? ओह अच्छा, चलो घाघरा चोली पहनकर खड़े हो जाओ, नीरा का कहना था। और निर्वा उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। निर्वा ने जादू किया और फिर वही होना था जो नीरा ने कहा था।
निर्वाल लंबी से घाघरा चोली में खड़ा था और नीरा जमीन पर बैठ गई और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। वो पागलों की तरह हंस रही थी निर्वा को देखकर। निर्वा ने गुलाबी रंग का घाघरा और लाल रंग का ब्लाउज और सिर के ऊपर ओढ़नी ओढ़ रखी थी, वो भी पीले रंग में। वो इस वक्त जो करने जा रहा था, अगर कोई भी निर्वा को इस वक्त देख लेता तो हंस हंस कर पागल हो जाता। ओह माय गॉड, यू जोकर। नीरा पागलों की तरह हंसे जा रही थी। कुछ पल बाद उसने अपनी हंसी जैसे तैसे रोकी और निर्वा को बोली, तुम इतने भोले कब से हो गए? मेरे कहने पर तुमने लड़कियों वाले कपड़े पहन लिए। इसे बदलो और जीन्स टी शर्ट पहन लो, वो बेहतर रहेगा। और भूलना मत कि तुम इंसान में आदमी हो, औरत नहीं। इतना बोलकर नीरा पागलों की तरह हंसते हुए उसे देखने लगी। निर्वा के फेस पर मुस्कुराहट थी क्योंकि नीरा उसे देखकर हंस रही थी। उसने नीरा के बताए हुए कपड़े पहने तो नीरा बस उसे देखती रह गई। जीन्स और उस पर वो सफेद टी शर्ट निर्वा के गेहूं सांवले रंग को सुंदर बना रही थी। नीरा तो बस मुंह फाड़े निर्वा को देखने लगी जैसे उसने ऋतिक रोशन को देख लिया हो। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। नीरा मुंह फाड़े हैरानी से उसे देख रही थी। निर्वा उसके करीब आया और उसने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए, क्या तुम्हें मेरा ये रूप इतना पसंद आया? निर्वा ने कहा तो नीरा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम तो किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैंडसम हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लुक्स को देखकर तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं। नीरा की ये बात सुनकर निर्वा तो जैसे उसके मन में लड्डू फूटने लगे हों, वो खुश हो गया। उसने चुटकी बजाई और उसका पूरा रूप एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम आदमी में बदल गया। इतना हैंडसम कि नीरा बस अब बिना पल के झपकाए उसे ही देख रही थी। नीरा को तो होश ही नहीं था, उसने बेख्याली में कहा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? नीरा बस निर्वा को देखने में खोई हुई थी और उसने ये बोल भी दिया। निर्वा ने उसके गालों पर हल्के से अपने होठों से छुआ और कहा, क्या तुम मुझे इंसानी तरीके से अपना प्रेम जता रही हो? क्या तुम मुझे अपना प्रेमी बनाना चाहती हो? निर्वा की इस बात से नीरा वापस उससे दूर होकर खड़ी हो गई और उसने कहा, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, और वैसे भी जब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले मेरे बॉयफ्रेंड बनो, उसके बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे। ये सब बोलते हुए भी नीरा की नज़र उसी पर थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी भारती के साथ। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।